नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे अमीर राशि। साल 2023 से साल 2050 तक सातवें आसमान पर रहेगा इन राशि वालों का भाग्य। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब 12 राशियों में से कुछ राशियां बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव अब 12 राशियों में से इन राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे अब इन राशि वालों के लिए साल 2023 से साल 2050 तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय में इन राशि वालों का भगवान शनिदेव का आशीर्वाद से अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियां, बड़े बड़े लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जिनके लिए भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से साल 2023 से साल 2050 तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। इस समय में इन राशि वालों का भाग्य सातवें आसमान पर रहने वाला है। इस वीडियो में आपको उन्हीं कुछ खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक हम बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें, जिससे भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके लिए भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से साल 2023 से साल 2050 तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है और इस समय में इन राशि वालों का भाग्य रहेगा सातवें आसमान पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, हिंदू धर्म में काफ़ी सारे देवी देवताओं की मान्यता है। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शनिदेव का भी आता है। भगवान शनिदेव सर्वोच्च न्यायाधीश हैं और भगवान शनिदेव अनुचित कार्य करने वालों को समय पर दंड भी देते हैं। शनिदेव सूर्य पुत्र है और कर्म फल के दाता है। माना जाता है कि आपको बता दें, मोक्ष को प्रदान करने वाला है एकमात्र भगवान शनिदेव ही हैं। शनिदेव सूर्य पुत्र और कर्म फल के दाता माने जाते हैं और आपको बता दें कि मोक्ष को प्रदान करने वाले एकमात्र भगवान शनिदेव ही हैं। शनिदेव को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर घबराहट होती है, लेकिन सच बात तो ये है कि शनिदेव प्रकृति में संतुलन बनाकर रखते हैं और ये सभी प्राणियों के साथ उचित न्याय करते हैं। शनिदेव की कृपा जिस इंसान पर हो जाती है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान शनिदेव उन्हीं को दंड देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब भगवान शनिदेव की कृपा से 12 राशियों में से कुछ राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। आपको बता दें कि अब भगवान शनिदेव इन राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे अब इन राशि वालों के लिए साल 2023 से
लेकर साल 2050 तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब इन राशि वालों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है। आपको बता दें भगवान शनिदेव अब इन राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न है। भगवान शनिदेव की कृपा से अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन राशि वालों को मिलने वाली है साल 2023 से साल 2050 तक के समय में बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, इन भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन पर भगवान शनिदेव की कृपा साल 2023 से साल 2050 तक के समय में रहने वाली है। उन भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें भगवान शनिदेव की कृपा से आपके लिए 2023 से साल 2050 तक का समय अत्यंत शुभ समय रहने वाला है। भगवान शनिदेव की कृपा से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इस समय में आपको अधिक धन लाभ मिलने वाला है। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में आने वाली है खुशियां ही खुशियां। भगवान शनिदेव आपकी झोली अब खुशियों से भर देंगे। आप हर कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपका जीवन बहुत ही सुखमय बनेगा। साथ ही साथ आपको मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी। आपको चारों तरफ से खुशखबरियां प्राप्त होने वाली है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी और वाहन प्राप्ति के अनेक योग मेष राशि वालों आपके लिए इस समय में बनेंगे, जिससे कि ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपके लिए साल 2023 से साल 2050 तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। इस समय में जबरदस्त संयोग बन रहा है, जिसके कारण आपके लिए ये समय बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। सिंह राशि वालों, आपको बता दें कि इस समय में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से संभव है जो आपके जीवन की दशा को ही बदल कर रख देगा। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी अब नहीं रहेगी। भगवान शनिदेव आपके ऊपर सबसे अधिक मेहरबान रहने वाले हैं। आपकी किस्मत में अब ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगह से लाभ ही लाभ मिलेगा। साथ ही साथ विदेश जाकर आप यहाँ कोई व्यवसाय कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब जो आपने ये सपना संजो कर रखा है, वो सपना आपका विदेश जाने का पूरा हो सकता है, क्योंकि इस समय में सिंह राशि वालों आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। आपकी कुंडली में जबरदस्त संयोग बन रहा है, जिसे आपको भगवान शनिदेव की कृपा से साल 2023 से साल 2050 तक के समय में अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपके लिए साल 2023 से साल 2050 तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा से ही आपको चारों तरफ से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी और पैसा बढ़ेगा, जिससे आपको आर्थिक फायदा मिलेगा। यदि आपका कोई कर चल रहा है तो उस कार्य से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। जल्दी छुटकारा मिल सकता है।
जल्द से जल्द इसका भी योग बन रहा है। साथ ही साथ आप इस समय में कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा और साथ ही साथ आपको बता दें आपको चारों तरफ से आर्थिक लाभ मिलेगा। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। उनका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेगा। साथ ही साथ आप जल्द से जल्द नया वाहन या मकान भी खरीद सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं बन रही है। कहना गलत नहीं होगा कन्या राशि वालों, भगवान शनिदेव आपके ऊपर साल 2023 से साल 2050 तक के समय में सबसे अधिक प्रसन्न रहेंगे, जिससे कि ये समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी समय कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर साल 2023 से साल 2050 तक के समय में विशेष रूप से बन रही है, जिससे आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है, जिससे आपको इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा। साथ ही साथ यदि आपने कर्ज लिया है तो उस कर्ज से भी आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही पूर्व में की गई आपकी मेहनत का परिणाम अब आपके सामने आएगा। व्यवसाय में आपकी योग्यता का प्रदर्शन अब सभी लोग देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, व्यापार में आपको लाभ होगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके मित्र आपका पूरा सहयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आपकी कुंडली में जबरदस्त योग है, जिससे कि ये समय तुला राशि वालों आपके लिए बहुत ही लाभप्रद समय रहने वाला है। समय का भरपूर लाभ उठाएं। जी हाँ दोस्तों, अब इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपके लिए साल 2023 से साल 2050 तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में इस समय में कोई नए बदलाव आएंगे, जिससे आपका जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदमय बनेगा। आप बहुत जल्द नया मकान भी खरीद सकते हैं। आपको सभी प्रकार के आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा खासा साबित होने वाला है। आपको अधिक लाभ देने वाला समय रहेगा। सबके साथ आपको अचानक से धन लाभ प्राप्ति के भी योग इस समय बनेंगे, क्योंकि ये समय पूर्ण रूप से आर्थिक पक्ष से कुंभ राशि वालों आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। आपको हर तरफ से सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ आपके सभी कार्य पूरे होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपके संपूर्ण जीवन की दशा को ही बदल कर रख देगा। ये समय आपके लिए बहुत ही लाभप्रद और बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। कुंभ राशि वालों, साल 2023 से साल 2050 तक का, क्योंकि भगवान शनिदेव की विशेष कृपा कुंभ राशि वालों आपके ऊपर इस समय में बनी रहेगी, समय का भरपूर लाभ उठाएं। जी हाँ दोस्तों, अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपको बता दें भगवान शनिदेव की कृपा से आपके लिए साल 2023 से साल 2050 तक का समय अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियों की प्राप्ति लेकर आया है। आपको बता दें इस समय में मिथुन राशि वालों, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर इस समय सबसे अधिक बनी रहेगी, जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द अब दूर होंगे। साथ ही साथ यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको इस समय में सबसे अधिक सफलता मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको इस समय में मनचाही नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। आपके कार्यक्षेत्र में आपको बड़ी कामयाबी हासिल होगी, तो आपको अपने जीवन में कई बड़े बड़े बदलाव इस समय में देखने को मिलने वाले हैं। ये समय मिथुन राशि वालों, आपके
हुए भगवान शनिदेव की कृपा से बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। चारों तरफ से बड़ी बड़ी खुशखबरियां आने वाली है। मिथुन राशि वालों, आपको इस समय बहुत सारी खुशखबरियां प्राप्त होगी। समय का भरपूर लाभ उठाएं। इस लिस्ट में जो अगली भाग्यशाली राशि आती है दोस्तों, वो राशि है कर्क राशि। दोस्तों बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से कर्क राशि वालों, साल 2023 से साल 2050 तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। आपको बता दें, इस समय में आपको नौकरी के नए नए ऑफर मिल सकते हैं। साथ ही साथ छात्रों को कम मेहनत में ही अच्छी नौकरी इस समय में प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ लव लाइफ के नजरिए से भी ये समय अच्छा समय साबित होगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियां में आप संकलन रहेंगे। आपके सभी काम इस समय सफलतापूर्वक पूरे होंगे। साथ ही साथ यदि आपका कोई रुका हुआ पैसा है तो वो भी आपको जल्द से जल्द पूरा मिलने की संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय कर्क राशि वालों आपके लिए बहुत लाभ देने वाला रहेगा। समय का भरपूर लाभ उठाएं। समय को हाथ से ना जाने दें। भगवान शनिदेव की कृपा से कर्क राशि वालों, इस समय यानी कि साल 2023 से साल 2050 तक के समय में आपके ऊपर सबसे अधिक कृपा बरसाने वाले हैं। शनिदेव आपके ऊपर सबसे अधिक मेहरबान रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों, आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से आपके लिए साल 2023 से साल 2050 तक का समय अत्यंत लाभकारी और बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। आपको बता दें, आपको हर काम में सफलता हासिल होगी। आपको अपने सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है। आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और बड़े बुजुर्गों का आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपके लिए मकर राशि वालों, इस समय में धन की कमी दूर होगी। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ मनचाही नौकरी की भी आपको इस समय प्राप्ति हो सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको सरकारी नौकरी संबंध को प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होंगी और अपनी सफलताओं की मकर राशि वालों को इस समय में झंडे गाड़ देंगे। आपको चारों तरफ से बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, जिससे कि ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सभी राशियां भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से साल 2023 से साल 2050 तक का समय इन सभी राशियों के लिए खुशखबरियां लेकर आएगा। इस समय में इन राशि वालों को अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियां, बड़े बड़े लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।